आपके साथ। बीएनएमयू और पूर्णिया विश्वविद्यालय की लड़ाई अब सड़कों पर लड़ने उतरे छात्र। कुलपति के खिलाफ छात्रों ने खोला मोर्चा, कॉलेज के मुख्य द्वार पर जड़ा ताला, कुलपति का फूका पुतला, जमकर हुई नारेबाजी और नाराज दिखे छात्र। कॉलेज व विश्वविद्यालय छात्र संघ प्रतिनिधियों ने जमकर किया विरोध। मामला सत्र 2017 के परीक्षा फॉर्म का, छात्रों के विरोध का हुआ असर, विश्वविद्यालय ने की फॉर्म भरने की तारीख तय। हम लोग आवेदन दिए थे, आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पूर्णिया कॉलेज गेट के पास बैठ के। मेरी मांगे है कि पीयू और बीएनएमयू की लड़ाई में छात्र पीछे जा रहे हैं। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी द्वारा बीएन मंडल कोसी क्षेत्र का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, लेकिन पीयू का रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया जाता है। हम इस मसले को लेकर यहां बैठे और पीयू यूनिवर्सिटी के बीसी का खिलाफ बैठे हैं, पीयू के और बीएनएमयू के बीसी के दोनों के खिलाफ बैठे हैं। क्या इन दोनों के चक्कर में छात्र पीछे जा रहे हैं? दूसरा बात है कि डिग्री पार्ट वन का फॉर्म भरने का तिथि निकाल दिया गया था बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, और यहां पे महाविद्यालय में भेजकर रजिस्ट्रेशन वितरण हो गया और 13 को बीएन मंडल यूनिवर्सिटी डेट निकाल दिया कि एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन पीयू अभी तक पीयू के अंतर्गत 4 जिलों में सभी कॉलेज में अभी तक रजिस्ट्रेशन वितरण हो चुका है, लेकिन फॉर्म भरने का डेट अभी तक नहीं निकला है। वहाँ 13 को एग्जाम लेगा, फिर यहाँ पे यहाँ का छात्र वंचित रह जाएगा, सेशन लेट चले जाएगा। इसके लिए हम लोग बैठे हैं और मांग करते हैं कि जिस डेट में वो एग्जाम ले उसी डेट में पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी छात्रों का एग्जाम लिया जाए और स्पष्ट किया जाए कि पीयू के बंटवारे में 17 वाले छात्र पूर्णिया यूनिवर्सिटी के हैं या बीएनएमयू यूनिवर्सिटी के। इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे और मांग करते हैं। दो बीसी के चक्कर में छात्र पीछे जा रहे हैं, उसके शोषण किया जा रहा है, ये कभी छात्र संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए आगे लड़ाई भी और लड़ेंगे, लेकिन ये चीज अभी हम लोगों को मांग है और पूरा करवा के रहेंगे। अभी जब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए कर रहे हैं, तभी आए थे हम, बात किए हैं। आज जो है हमारी लड़ाई का पहला आगाज है, ऐसा लड़ाई हम लोग लड़ेंगे सीमांचल के हजारों छात्रों के साथ। जो दो यूनिवर्सिटी का जो लड़ाई है उसमें जो सीमांचल के छात्र पिसा रहे हैं, ऐसा लड़ाई लड़ेंगे हम सभी सीमांचल के छात्र, दोनों यूनिवर्सिटी के जो भी वीसी हैं वो पिसा जाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका मतलब बता दिया जाए कि कब कर रहे हैं। बताइए, वहाँ 13 तारीख का डेट निकाल दिया है, यहाँ जब भी हम मिलते हैं तो यहाँ बताया जाता है कि चलिए मेरे पास रिसीविंग है, ये है वो है, लेकिन हम लोगों को साफ तौर पर नहीं बताया जाता है। हम इसी कारण आज हम सभी छात्र एक साथ होके ये आंदोलन कर रहे हैं। आज ये हमारी पहली शुरुआत कर चुके हैं, जल्द से जल्द हमें बता दिया जाए साफ साफ, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
सीधा साधा बात है, ये दोनों विश्वविद्यालय के चक्कर में ये जो दोगलेपन की ये जो कर रहे हैं, ये जो सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा, इससे छात्र को एकदम नुकसान हो रहा है। छात्रों के नुकसान के कारण ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हम किस विश्वविद्यालय के या पीयू के कि बीएमयू के। इस कारण से छात्र भटक रहे, यहाँ आते तो कहते वो वहाँ के आते तो यहाँ कहते, इससे छात्रों का जो जीवन है वो नष्ट होते जा रहा है। और इसका सीधा जिम्मेदार पूर्णिया विश्वविद्यालय है, और जल्द से जल्द पूर्णिया विश्वविद्यालय के बीसी और बीएमयू के बीसी, और जल्द से जल्द इसकी स्पष्टीकरण दिया जाए, नहीं तो छात्र संघ जितने भी छात्र एकता एकदम एक साथ मिलकर जोरदार लड़ाई लड़ेंगे, और इसके लिए आर पार की लड़ाई होगी, और इसको जल्द से जल्द इसका स्पष्टीकरण दे, नहीं तो धरना जारी रहेगी। लिखित मैम दो बार दिए, बीएसडब्ल्यू को मैम दिए, सबसे पहले है कि जल्दी नहीं मैम सब मैंने स्टूडेंट को बोल रहा है, स्टूडेंट को मैम पूर्णिया कॉलेज प्रोफेसर द्वारा डांट के भगा दिया जाता है, जा हम नहीं जानते इसमें मैम स्टूडेंट को दिल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा नहीं तो एक लिखित में आप लोग दीजिए, अभी हम लिखित दोनों भेजे हैं मैम, आप कर रहे हैं तो हम फिर लिखित में दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होगा फिर मैम हम लोग कागज पे कागज लगातार दे रहे हैं, स्पष्टीकरण मारे पूर्ण शांति।
आज पूर्णिया विश्वविद्यालय छात्र संघ को पुतला दहन करने का नौबत आना पड़ा, इसलिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो अपनी मनमानी कर रही है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 2017 वाले का फॉर्म आप विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं पूछना चाहती हूँ, किस आदेश के तहत आपने रोका है और क्यों अभी तक परीक्षा नहीं हो पा रही है हम लोगों की? और इन्होंने छात्र हित की बात करते हैं कि छात्र का हम साथ देते हैं, छात्र का आप साथ किस तरह से दे रहे हैं? क्या एग्जाम नहीं हो रहा है तो आप छात्र का साथ दे रहे हैं? रिजल्ट आज जारी नहीं हुआ, कोसी प्रमंडल का जारी होता है और यहाँ का नहीं। विश्वविद्यालय, दोनों विश्वविद्यालय में अगर किसी भी प्रकार का टेंशन है उससे हम लोगों छात्रों को क्या मतलब है? हम लोगों को हमारे अधिकार का और साथ ही हम लोगों का जो ये छात्र हित का मुद्दा है कि जल्द से जल्द फॉर्म भरना शुरू किया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे इससे भी बढ़ के। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्र संघ को अनदेखा किया जाता है, यहाँ तक कि कॉलेज में भी, कॉलेज के छात्र संघ को भी आज तक किसी भी चीज की सूचना नहीं मिलती है कि क्या कार्यक्रम हो रहा है, क्या है, क्या योजना है या क्या कुछ भी है। यहाँ तक विश्वविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय छात्र संघ को भी कॉलेज प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का सूचना नहीं दिया जाता। अगर कहा जाता है कि आज ये करना है तो वो बार बार बात टालते हैं कि आज होगा, कल होगा, कल होगा। आखिर कब तक छात्र संघ इस चीज को सहेगा? परेशानियाँ यहाँ जहाँ ये आ रही है कि जो हम लोग बीएनएमयू के छात्र हुए, बीएनएमयू के छात्र हम लोग 2015-16-17 ये सारे छात्र बीएनएमयू के हैं, इनको जब राजभवन का आदेश के अनुसार इनको बोला गया है 18 का स्टूडेंट को आप अपने पास रखें, 17 वाले तक का वो बीएनएमयू के छात्र हैं। तो आज जब बीएनएमयू के द्वारा जब 17 वाले का पार्ट वन का एग्ज़ाम का डेट, एग्ज़ाम फॉर्म का डेट 2 तारीख से घोषित की गई थी, फिर उन्होंने पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा 2 तारीख को डेट को कैंसिल कर दिया गया, उन्होंने लिखित दिया कि हम अगले आदेश तक तिथि को जारी करेंगे, लेकिन अभी तक पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा तिथि की जारी नहीं की गई, जिससे कि छात्रों में परेशानी का माहौल बन रहा है और इससे कि हम लोग का सेशन बहुत लेट हो जाएगा। हम लोग 17 के साथ छात्र हैं, 17-18 फिर 19 में एग्जाम होती है तो हम लोग का सेशन 5-6 साल में ग्रेजुएशन कम्प्लीट होती है। हम लोग का जिंदगी यहाँ लाइव के साथ खेला जा रहा है, ये दोनों विश्वविद्यालय के आपसी लड़ाई में हम लोग छात्र बीच में पिसा रहे हैं। हम लोग को अब सुनने वाला भी कौन है? हम इसलिए आज हम लोग ने मीडिया के माध्यम से पूर्णिया बीसी का आज पुतला दहन किया है। अगर आज भी पूर्णिया बीसी का अगर आँख नहीं खुलता है तो हम लोग कल इससे भर चढ़ के इसे उग्र आंदोलन करेंगे। ये दोनों का जो लड़ाई है ना, ये दोनों की लड़ाई के चक्कर में हम लोग सब छात्र जो है ना पिसा कर रहा है, और बीएन मंडल और पीयू यूनिवर्सिटी दोनों में बगझग चल रहा है, और ये छात्र हित में कोई काम ही नहीं कर रहा है, और छात्र संघ अपना जो है, जो कॉलेज का छात्र संघ है और यूनिवर्सिटी है, हम लोग एक छात्र एकता के नाते सब तो अपना पुतला दहन किए हैं, और छात्र एकता जिंदाबाद। हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है। हम लोग कब से मतलब डेढ़ साल दो साल हो गया, अब नोटिफिकेशन आएगा, ना एग्ज़ाम हो रहा है ना कुछ मिल रहा है। जब एग्ज़ाम का डेट आता है तो आगे बढ़ जाता है, तो ऐसे में कैसे चलेगा कुछ? अच्छा, ये जो अभी रिसेंट नोटिफिकेशन शो हो रहा है न्यूज़पेपर में कि 22 तारीख से एग्ज़ाम है, तो आप लोगों का क्या फॉर्म फिलअप वगैरह हुआ है? कुछ नहीं हुआ, हम लोग फॉर्म भरे बीएनएमयू के नाम पे, वो वापस ले लिया गया कि नहीं वो नहीं होगा, वो कैंसिल कर दीजिए, वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा, वो अभी तक नहीं आ रहा। और न्यूज़पेपर में जो आ रहा है कंफ्यूज कर रहा है, अभी पता चला कि अभी एग्जाम होगा, वहाँ जाके पता चल रहा है कि एग्जाम नहीं होगा, तो ऐसे कैसे? अच्छा, विश्वविद्यालय से जब आप बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं इस बारे में? बोलते हैं कि अभी सो जाओ, सीधा उनका यही रहता है सो जाओ, अभी कुछ नहीं नोटिफिकेशन आया, अगर नोटिफिकेशन आएगा तो बता देंगे। आपने किसी हायर अथॉरिटी से बात की है, DSW प्रोक्टर वगैरह किसी से? नहीं, वो वहाँ जो कॉलेज में जो पूछताछ होता है हम लोग उसी से पूछेंगे। हम लोगों ने माननीय कुलपति के आदेश पर निर्णय लिया है कि हम पूर्णिया विश्वविद्यालय के डिग्री पार्ट वन 2018 के जो छात्र फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं उनका 11 तारीख से फॉर्म फिलअप कराएंगे, नंबर एक। नंबर दो, बीएन मंडल विश्वविद्यालय द्वारा पार्ट वन का रिजल्ट नहीं घोषित किया गया है, इससे हम लोगों को काफ़ी तकलीफ और क्षोभ है, क्योंकि उन बच्चों को भी जो फेल करेंगे उनको इस सत्र में शामिल करके परीक्षा लेना है। नंबर तीन, अगर इस प्रकार का रवैया रहा तो पूर्णिया विश्वविद्यालय इस बात पर में निर्णय ले रहा है और फाइनल भी हो चुका है कि हम अपने इन बच्चों का परीक्षा स्वयं लेंगे। सर, ये जो बच्चों को लगातार परेशानी आ रही है, ऐसे में विश्वविद्यालय एक ठोस कदम उठाने को तैयार है? पूर्णिया विश्वविद्यालय अपने बच्चों के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है कि इनको किसी भी प्रकार का दोहन शोषण नहीं हो और ये बच्चे पूर्णिया विश्वविद्यालय से परीक्षा दें,
चूँकि हम पढ़ाते हैं, हम परीक्षा लेना चाहेंगे। और दूसरी बात है कि हमने जो उनको कॉपरेट किया, हमारा आज तक तीन तीन परीक्षा का किसी भी सेंटर को खर्चा नहीं भेजे और जरबड़ का उन्होंने पैसा नहीं दिया, कॉपी जो जांच किए हैं शिक्षक उसका पैसा नहीं भेजे, लाखों लाख रुपया 50 लाख से ऊपर रुपया वो रखे हुए हैं और वहाँ से वो तरह तरह का बयान दे रहे हैं। ये हम लोगों के लिए काफ़ी दुखद का विषय है।